कोई शॉर्टकट नहीं है आपको, कोई रेडीमेड मटेरियल, कोई रेडीमेड नोट्स आपको यूपीएससी नहीं पास करवा सकते। मेरे नोट्स का बहुत मैसेज आते हैं, मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपको दिखा दूंगा, आप इतने घटिया नोट्स आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि नोट्स में मैं वही चीज़ लिखता हूँ जो मुझको याद नहीं होती। और नोट्स बनाता हूँ मैं कम से कम 5-6 रीडिंग लगा के, अगर मैंने 6 रीडिंग मारी है उसके बाद में नोट्स में सिर्फ पॉइंट आएंगे, जो ये पॉइंट याद नहीं हो रहा ये पॉइंट लिख दिया, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये पॉइंट है, तो उससे दिग्भ्रमित ना हो इसलिए नोट्स शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, वरना मेरा कोई स्वार्थ नहीं है नोट्स शेयर करने या ना करने में, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से कि मेरे नोट्स, इवन मेरे लिए तो बढ़िया है, अगर मेरे अच्छे नोट्स होंगे तो मैं शेयर करूंगा, ऐसे के नोट्स मैंने शेयर करे हैं टेलीग्राम पे क्योंकि वो बढ़िया बनाए हुए थे। जीएस में ये है कि पॉलिटी में मेरे को बीच में कोई संसद की भूमिका, उसमें 6 भूमिकाएं दी हुई है ना, तो अगर मेरे को एक याद नहीं है तो मैं एक ही लिखी हुई है उसमें, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसलिए कोई शॉर्टकट चीज नहीं है कि मेरे नोट्स पढ़ के आप सक्सेस हो जाओगे, नोट्स बनाओ आप खुद। और नोट्स बनाओ, मेरी स्ट्रेटजी तो यही है, 4 से 5 रीडिंग मार के, इससे क्या होगा छोटे नोट्स बनेंगे आपके और जो काम की चीजें हैं वो बनेंगी। जैसे पॉलिटी में करंट के कुछ नोट्स बनाए थे मेंस के लिए, उसमें मैं सिर्फ जजमेंट डालता था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ये थे, या फिर कोई आर्टिकल डाल दिया, या फिर कोई जो होते हैं डॉक्ट्रिन होते हैं, जैसे एक नेमो जोडेक्स इनकोसास हुआ है, वो डॉक्ट्रिन है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में स्वयं निर्णय नहीं दे सकता, उसका नाम लिख दिया। कोई जजमेंट है श्याम नारायण चौक से वादा, उसका लिख दिया, वो सिर्फ जजमेंट और वो नाम नाम ही लिखे होते हैं, उसके आगे उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ, वो नोट्स आप लेके आपको समझ आएगा नहीं, आप कम से कम अपनी जिंदगी के कुछ घंटे उसमें खराब कर देंगे, तो औचित्य नहीं है उस बात का। 4-5 रीडिंग के बाद नोट्स बनाओ, पॉइंट वाइज बनाओ और स्पेस उसमें छोड़ दो, ताकि उसमें कोई चीज ऐड करनी हो तो वो आप लोग उसमें कर सको, ठीक है। और नोट्स भी तभी बनाने जब एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस देख लो, ऐसी चीज